बजाग थाना अंतर्गत नाबालिग लड़की से अनाचार का मामला सामने आया है। एक मुख्य आरोपी सहित अन्य तीन आरोपी नाबालिग लड़कों को बजाग पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी न्यायिक हिरासत में। बजाग टिंडोरी विगत दिनों दिनांक 15 नवंबर 2023 बजाग थाना अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की से अनाचार का मामला सामने आया। मिली जानकारी और मीडिया की पड़ताल से घटना से संबंधित कुछ अहम जानकारी प्राप्त हुई। नाबालिग पीड़िता और उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके गांव का ही एक लड़का अंकित मणिकपुरी के द्वारा उनसे दुष्कर्म किया है। पीड़िता शाम 4 बजे गांव के टोला में विश्व मुंडा कार्यक्रम देखने अपनी सहेली उम्र लगभग 16 वर्ष अपने पड़ोसी भाई के साथ तीनों मुंडा जयंती कार्यक्रम देखने जा रहे थे। रास्ते में गांव के ही 4 लड़के आरोपी अंकित मणिकपुरी, ओम प्रकाश यादव, पुष्पेंद्र यादव, रवि मणिकपुरी अर्टिका कार में उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाने को कहा। परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने कार दूसरी तरफ जंगल की ओर ले गए। कार में सवार 4 लड़के और पीड़िता की सहेली और पड़ोसी भाई भी साथ में थे। परिजनों ने बताया कि पीड़िता की चलती कार में अंकित मणिकपुरी के द्वारा बलात्कार किया। उक्त घटना के बाद चारों आरोपी पीड़िता को उनके घर छोड़ गए और पीड़िता ने उक्त घटना की जानकारी अपने परिजनों को बताया। वहीं उक्त घटना के पश्चात आवेदक दोषी पक्ष के परिजनों ने गाड़ी की शीशा तोड़फोड़ करने की शिकायत करने थाना पहुंचे। आवेदक पीड़िता पक्ष के परिजनों ने भी शिकायत करने पहुंचे। आवेदक दोषी पक्ष एवं आवेदक पीड़िता पक्ष दोनों के मध्य आपसी समझौता करने को सहमति होकर थाने से वापस चले गए। दोनों पक्षों में समझौता नहीं होने पर पीड़िता पक्ष के परिजनों ने डिंडोरी महिला पुलिस थाने में नाबालिग लड़की से अनाचार की शिकायत दर्ज की है। डिंडोरी पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने घटना की गंभीरता को संज्ञान में लेकर तात्कालिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया। वहीं महिला पुलिस उपाधीक्षक मेहती मरावी, बजाक टीआई ध्रुवे एवं डिंडोरी बजाक की पुलिस टीम के द्वारा मुख्य आरोपी अंकित मणिकपुरी सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 366A, 376, 376D, 345G, STSC पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को जेल भेजा गया। जी गए थे पुलिस में तो गांव के मोहल्ला वाले वो हाँ गए शिकायत करने गए थे। शिकायत हाँ। करने गए तो क्या बोले पुलिस वाले? आर्मो गुलाब आर्मो बोले कि गांव में समझौता कर दिए। वहाँ से लौट के आ गए। फिर क्या हुआ? दो तीन दिन के समय दिए। समय दिए सर? कौन दिया 2-3 दिन का समय? हमने दिए। आप लोग दिए? फिर जब लड़की से जुबान मिला समझिए। अच्छा माता जी आप लोगों को पता कैसे चला? ये मोहल्ला में गए थे सर, वहाँ से आए शाम। कब कितने समय गए थे? चार पाँच बजे आके पता लगा है तो नहीं मिल रहा था। हम फिर ढूंढ अकेली गई थी कि और साथ में कोई थे? साथ में गए थे, आरटी के गाड़ी में वो लास्ट घर में उठाए हैं। तो साथ में गए तो सभी लोग गाड़ी में बैठ के गए लड़के लड़कों के साथ? जी गए हैं सर। तो फिर एक के साथ ऐसे अनाचार हुआ है? दुष्कर्म का मामला आया है, बताएंगे सर क्या है? ये 15 तारीख की घटना है। यही गांव से ही वो गाड़ी में बैठ करके साथ गए थे और बजाग के जंगल, बजाग से कुछ दूर आगे एक जंगल है, सुनसान रास्ता है, वहाँ पे इनके साथ गलत काम किया गया है। किस तारीख किस दिन? 15 तारीख की है, 15 तारीख की शाम की घटना है। अपराध कायम 276/23 विवेचना की जा रही है। किस दिन अपराध कायम हुआ सर? DSP AJK कर रहे हैं। ये हमारे पास फरियाद लेकर के 19 तारीख को आए थे, 19 तारीख को ही कायम की गई। आगे क्या चल रही है सर जांच में? गिरफ्तारी हो गई है सभी 4। कितने लोग बताया सर? 3-4 लोग? 4 लोग बताया है, उसमें एक अंकित ने इनके साथ गलत काम किया, उसको उसी दिन गिरफ्तार हो गया था, बाकी 3 अभी कल गिरफ्तार हुए। एक अहम सवाल है सर, जैसा कि अभी राज्य सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये चल रहा है पहल, तो इस संदर्भ में इस क्षेत्र में देखा गया कुछ निष्क्रियता नजर आ रही पुलिस की? नहीं ऐसे एकदम नहीं है, ये आपकी सोच है कि निष्क्रियता दिख रही है। अपराध हुआ, अपराध तुरंत कायम किया गया और जो
कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए थी, त्वरित की गई। आगे से ऐसा ना हो पुलिस क्या करेगी? पुलिस हमेशा तदैव तत्पर है और विजिलेंट है कि इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, उसके लिए हम लोग अपने तरफ से पूरी कार्रवाई करते रहते हैं। लड़की सुरक्षित है? हाँ, आप जैसा देखिए अभी आपके सामने ही। कवर्धा से पीडी मणिपुरी की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सीजी विजन टीवी।